सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अतिथि शिक्षक प्रमोशन ट्रांसफर के कारण बाहर हुए हैं, उनको आखिर कैसे वापस बुलाया जाए या उनकी सेवाएं कैसे जारी रखी जाएं, उसी को लेकर आज का ये अपडेट है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश, स्थायी पता ग्राम एटी पोस्ट कुसमेर, तहसील गोपद बना, जिला सीधी मध्य प्रदेश, पीडी खैरवार, फहीम खान, रविकांत गुप्ता, सुनील सिंह परिहार। और ये अतिथि शिक्षकों की जो कमेटी है उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रीति है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय है शिक्षक भर्ती प्रमोशन ट्रांसफर से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर सेवा का अवसर देने बाबत। माननीय मुख्यमंत्री जी, अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझकर 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत में की गई घोषणाओं के लिए आपका आभार। विभागीय परीक्षा और अन्य आदेश शीघ्र जारी करवाने का आग्रह करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी घोषणा के बाद प्रदेश में वर्षों से कार्यरत हजारों अतिथि शिक्षक शिक्षक भर्ती प्रमोशन और ट्रांसफर से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। रिक्त पदों पर नई भर्ती ना करके बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देकर सेवा में लिया जाए, ताकि उनकी वर्षों की सेवा बेकार ना हो। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि विभागीय परीक्षा दुगुना मानदेय सहित अन्य घोषणा संबंधित आदेश शीघ्र जारी करवाएँ और किसी भी कारण से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों पर अनुभव के आधार पर वरिष्ठता क्रम में प्राथमिकता देकर पुनः सेवा का अवसर देने की कृपा करें। भावदीय सुनील सिंह परिहार, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति। जो अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं उनके लिए अंदर को लेकर ये मांग है, और जो पद रिक्त हैं और पद रिक्त होने वाले हैं उनमें उन्हीं अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो जो अभी सेवा से बाहर हुए हैं, जिनके पास में अनुभव है दोस्तों। बाकी अतिथि शिक्षकों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।